नेक्स्ट क्लास अपनी डे 64 और कक्षा 11 इसमें चैप्टर संख्या 6 में चल रहे हम और नेक्स्ट टॉपिक है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में हमने बात करी थी पिछली क्लास में कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो कुल क्षमता है उसको ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जब भी ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें तो कार्य ही ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है बेसिकली। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जब ज्ञात करेंगे तो भी हम कार्य ज्ञात करेंगे यानी बल गुणा विस्थापन ही ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब हम एक कंडीशन दे दी कि ऊर्जा किस प्रकार की है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा होती क्या है, किसी गतिशील वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा निहित होती है उसमें, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। सिंपल नाम ही गतिज ऊर्जा है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है, उसको के से लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, के इज इक्वल टू 1/2 mv2। जब ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक तो क्या होगा, वही जूल होगा, 1/2 mv2, ठीक है। ये हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि कार्य से कैसे निकाला जा सकता है ऊर्जा को। के क्यों लिखते हैं, इसका फर्स्ट जो लेटर है वो के, इसलिए इसको के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ लेते हैं कैसे इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो अब देखो गतिशील वस्तु है, गतिज ऊर्जा है ना, इसका मतलब एक कंडीशन है कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। और गति कर रही है तो उसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, उसका वेग होगा, तो उसका जो वेग है वो क्या है, वी है। कोई भी वस्तु है बिना द्रव्यमान के कुछ भी, कोई भी पार्टिकल संभव नहीं है, मासलेस पार्टिकल कैन नॉट बी पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि द्रव्यमान रहित कोई कण हो, जिसका कोई ऐसा कण जिसका द्रव्यमान ना हो, इसका मतलब कण ही नहीं है, है ही नहीं हो कुछ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उस कण का, उस वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई, 1/2 mv2। तो यहाँ m कण का द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है, इसका मतलब ये है कि वस्तु गति कर रही है तभी उसमें गतिज ऊर्जा है, ठीक है। जब वस्तु गति करती है तो उसमें ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है। अब हमें पता है कि ऊर्जा जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्य निकालते हैं, और कार्य w बराबर क्या होता है, f इंटू s, x लिख लो या s लिख लो एक ही बात है। अब यहां हमें क्या किसका मान रखना है, f का मान रखना है, गतिशील वस्तु पर बल का मान क्या होगा, कैसे निकालें बल का मान, कैसे निकालें। जब वस्तु गतिशील है तो गतिशील में गति की समीकरणें लगेंगी, गति की समीकरण है, हमें क्या निकालना है, हमें बल का मान निकालना है, ठीक है। और बल F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ए बराबर क्या आएगा, एम बटे एम। हम जानते हैं बल बराबर F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है एम ए। तो A बराबर क्या आ जाएगा यहां से, F बटे एम। अब गति की समीकरणों में A आता है ना, सभी में आता है, A की जगह हम क्या रख देंगे, एफ बटे, वहां से फिर क्या करेंगे, एफ का मान निकाल लेंगे और एफ का मान यहां रख देंगे। क्यों ले रहे, गति की समीकरण क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कण क्या है, गतिशील अवस्था में है, इसीलिए हम गति की समीकरण यूज कर रहे हैं। सब जगह गति की समीकरण नहीं लगाएंगे, ठीक है, सब जगह गति की समीकरण नहीं लगाएंगे, हर जगह अलग अलग कंडीशन। अब देखो गति की समीकरण, गति की कौन सी समीकरण, गति की कौन सी समीकरण लगाए, एस आ रहा है ना, एस जिसमें एस आए, ए का मान हम रख सके एफ अपॉन एम, ए आए तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो गति की जो तीसरी समीकरण है वेग, हमें क्या चाहिए, ये फॉर्म चाहिए ना, ये तो हमें पता है कि ये सिद्ध करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 होती है, तो हमें कंफ्यूजन रहे भी कौन सी समीकरण यूज करनी है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ समय के बारे में कुछ नहीं है, न तो समय यहाँ चाहिए, न हमें दिया गया कहीं पर, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर समय आ रहा है वो हमें नहीं लेनी है यार, क्योंकि इक्वेशन समय के रूप में नहीं है, ठीक है। तो टी किस में आ रहा है, पहली समीकरण में आता है बी बराबर यू प्लस एटी, वो नहीं चलेगी। दूसरी समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 at2 टी आ गया ना, वो भी नहीं चलेगी। फिर बची एक ही समीकरण, कौन सी, तीसरी समीकरण। तो गति की तीसरी जो समीकरण है उससे, तृतीय समीकरण से क्या आएगा, बी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2 ए एस,
अब देखो कोई भी कण जब गति कर रहा है तो किसी समय तो गति प्रारंभ की होगी उसने, जब प्रारंभ की होगी उस समय उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, विराम अवस्था में हम उसको मान सकते हैं, गतिशील अवस्था में भी हो सकता है, तो उसके लिए अलग कंडीशन आएगी, उसको हम अलग अगले टॉपिक में डिफाइन करेंगे, उसको कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर गतिशील वस्तु है बाद में उसकी गति में परिवर्तन होता है, स्पीड कम ज्यादा होती है तो कम करने के लिए भी बल लगाना पड़ता है और ज्यादा करने के लिए भी बल लगाना पड़ता है, तो वो ही बल जो है वो जो परिवर्तित होता है कार्य में, इसीलिए उसको कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो विराम अवस्था में थी, बाइक हमने चला रहे हैं तो जब हमने स्टार्ट की थी तब तो वो क्या थी, रुकी हुई थी, खड़ी थी बाइक, तो उस समय उसका वेग क्या था, जीरो था। बाद में जब हम चला रहे हैं तो उसका वेग कुछ भी हो सकता है, तो प्रारंभिक वेग एक बात तो इसके अंदर हमें क्या क्या पुट करना है, एक बात तो यहाँ यू का मान क्या है, जीरो है, कौन सा वेग है ये, प्रारंभिक वेग है। दूसरी बात एफ बराबर एम ए से ए बराबर ऊपर लिखा हुआ है, क्या होगा, एफ अपॉन एम, तो यहाँ मान रख दें वी स्क्वायर बराबर क्या देगा ये, तो जीरो हो गया प्लस टू ए की जगह क्या रखेंगे, एफ बटे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है भी, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ रट्टा मारना पड़े, याद करना पड़े, हमें एक क्वेश्चन में दे दिया जाता है इनडायरेक्टली, हमें कह दिया कि गति ऊर्जा निकालो, कह दिया ना गति ऊर्जा निकालो, तो गति ऊर्जा किसके कारण होगी, गति के कारण होगा, गति होगी तो स्पीड है वहां, उसका वेग होगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब वेग की फॉर्म में हमें उसको सोल्व करना है, और ऊर्जा निकालनी है तो कार्य निकालना है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, अब विस्थापन तो ऐसा वैसा रहने दो, बल का मान विस्थापन के रूप में निकाल लो, तो एफ का मान एस के रूप में आ गया ना, आ गया, अब यहां से एफ का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, एफ का मान क्या आएगा, एम को इधर ले आओ भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, दो और एस इन दोनों को इधर ले आओ गुणा में है तो किस में चले जाएंगे, भाग में, तो यहां से एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम इधर एम वी स्क्वायर आ गया ना, टू और एस किधर आ जाएंगे, डिवाइड में, समीकरण नंबर दे दो इसको दो, अब समीकरण दो का मान किस में रख दो, क्योंकि क्या होता है कार्य बल गुणा विस्थापन होता है ना, बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बल गुणा विस्थापन, क्या बल गुणा विस्थापन, तो फिर बल की जगह तो हम बल का मान रख दें, विस्थापन ऐसा कैसा है रख दें, तो समीकरण दो का मान किस में रख दो, समीकरण दो का मान एक में रखने पर क्या आ जाएगा, यानी समीकरण एक W बराबर F का मान रखेंगे m v स्क्वायर अपॉन 2s और गुणा में क्या s s s कट गया, W इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 m v स्क्वायर, ये तो बच रहा है ना, 1/2 लिख दो या इसके बाद में लिख दो, एक ही बात है, एक से तो गुणा होकर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इस W को ये क्या है, ये कार्य है और ये क्या है, ऊर्जा है गतिशील अवस्था में, तो इस कार्य को ही क्या लिख देंगे, ऊर्जा लिख देंगे, अलग सिंबल दे दिया काइनेटिक एनर्जी को के, ठीक है, W भी लिखा जा सकता है, कार्य ही ऊर्जा होती है, तो यहां इसको क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं, के इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 mv, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो केवल गति ऊर्जा की बात कर रही है, आगे हम स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तो हर वैल्यू जो हम पढ़ेंगे उसकी हम पहले डिफाइन करेंगे, जिससे गति ऊर्जा गति कारण है, वैसे स्थिति ऊर्जा डिफाइन करेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डिफाइन करेंगे, स्प्रिंग की ऊर्जा को डिफाइन करेंगे, तो सब में अलग अलग तरह से होती है, वो हमें तुरंत उसके कंसेप्ट समझ में आएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें ऊर्जा किस प्रकार से होती है, कौन सी वैल्यू लेनी है, कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे गति में पता चल गया कि गति की समीकरण लगेगी, हमें एफ का मान निकालना है, एफ का मान कैसे आएगा, पहले एफ लाना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, एम ए से आएगा, तो ए की जगह रखेंगे तो एफ पहुंच गया वहां, अब एफ निकाल लें, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाओ, एफ आ गया, एफ का मान यहाँ रख दोगे तो आगे जो समीकरण हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इनिशियली एक चीज सबसे जरूरी ध्यान रखनी है, वो क्या है कि क्या होती है, ऊर्जा जो है वो कार्य ही होता है, तो जब भी ऊर्जा निकालनी हो तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमें निकालना है कार्य, अब वहां कार्य हो कैसे रहा है वो हमें देखना है, ठीक है, वही ऊर्जा के बराबर।
ये गतिज ऊर्जा की इक्वेशन आ गई है 1/2 एमवी स्क्वायर। अगर डिफाइन करना है केवल एक नंबर में परिभाषा आ जाए तो सीधा आपको लिखना है 1/2 एमवी स्क्वायर और मात्रक जरूर बताना है किसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, बीमा वही होगी जो कार्य की होगी क्योंकि कार्य ऊर्जा। अब ऊर्जा की बीमा पूछ ले, अब देखो कितनी तरह के मान आ गए अपने पास। अब ऊर्जा की हम बहुत से फॉर्मूले पढ़ेंगे तो सब फॉर्मूले में क्या आएगा, अलग अलग सूत्र आएगा, लेकिन सभी सूत्र से आप एक एक बार बीमा निकाल के देख लें। अब इसकी बीमा आप यहाँ से निकाल, पहले आपने बीमा निकाली है एफ एक्स से कार्य की, एसी से निकाली ना, और कार्य क्या होता है ऊर्जा होता है। अब बीमा निकालो आप किससे, 1/2 एम वी स्क्वायर से। कॉन्स्टेंट की बीमा होती नहीं है, इसको तो छोड़ दो। एम की बीमा होती है क्या होती है, कैपिटल एम, ये होती है ना मास। वी क्या होता है, वेग, क्या होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये चाल के दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी क्या है एल, समय क्या है टी, और इसकी पावर कितनी है, तो एम एल की पावर कितनी हो जाएगी, दो भाग में टी की पावर कितनी हो जाएगी, दो। तो एम एल की पावर दो, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये ही वहां से निकालते हैं। तो आप ये हैबिट डाल लो, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हर टॉपिक की बीमा आप निकालो, हर टॉपिक की बीमा, तो बीमाओं की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं भी आ रही होगी तो भी आ जाएंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, पहले निकाल रखिए तो भी आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी में सोल्व करो, बाकी करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको पढ़ लें।